सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, गदर 2 मूवी और ओ माय गॉड 2 मूवी को रिलीज होने में सिर्फ एक दिन का समय बाकी है और जेलर मूवी तो दोस्तों कल ही सुबह रिलीज होने वाली है। अभी दोस्तों तीनों मूवीज की एडवांस बुकिंग की ऑफिशियल रिपोर्ट निकल कर आ चुकी है, तो हम आपको बताते हैं कि तीनों मूवीज की ऑफिशियल एडवांस बुकिंग कितनी हो चुकी है, तीनों मूवीज ने कितनी कितनी टिकट सोल्ड आउट कर दी है और कौन सी मूवी डे वन में बाजी मारती हुई नजर आएगी। तो चलिए हम एक एक कि आपको तीनों मूवीज की ऑफिशियल एडवांस बुकिंग बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों बता दें, ये जो रिपोर्ट आई है वो 9 अगस्त के दिन की यानी कि आज की रात की 8 बजे तक की रिपोर्ट है, जो कि दोस्तों सेलचिनिक वेबसाइट पर ऑफिशियल अपडेट हुई है, जिसमें दोस्तों गदर 2 मूवी की जो एडवांस बुकिंग है वो 8.65 करोड़ की हो चुकी है। 8.65 करोड़ की गदर 2 मूवी की डे 1 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, जिसमें 341,349 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं और एवरेज टिकट प्राइस 213 रुपए का है। यहां पर दोस्तों देखा जाए तो गदर 2 मूवी की अच्छी खासी एडवांस बुकिंग हो चुकी है 8.65 करोड़ की, और अगर हम डे 1 की प्रेडिक्शन करते हैं तो ये लगभग 12 करोड़ के आसपास डे 1 की ऑफिशियल एडवांस बुकिंग करती हुई हमें नजर आने वाली है, क्योंकि अभी इसके पास एक दिन का समय और बाकी है। अभी रात का 8 बज रहा है 9 तारीख का, और अभी पूरे 10 तारीख को इसकी एडवांस बुकिंग चलेगी और फिर 11 तारीख को सुबह सुबह इसकी ऑफिशियल एडवांस बुकिंग आएगी, जो कि दोस्तों 12 करोड़ तक को आराम से क्रॉस कर चुकी होगी। वहीं दोस्तों अब हम बात करते हैं दूसरी मूवी अक्षय कुमार की ओ माय गॉड 2 मूवी के बारे में। तो ओ माय गॉड 2 मूवी की जो 9 अगस्त के दिन तक की रात को 8 बजे तक की ऑफिशियल एडवांस बुकिंग है वो 1.39 करोड़ की हो चुकी है। जी दोस्तों, 1.39 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग हो गई है, जिसमें दोस्तों 45,021 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं और एवरेज टिकट प्राइस इसका 225 रुपए का है। यहां पर दोस्तों सभी फैंस अक्षय कुमार की मूवी से नाराज हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही कम इसकी एडवांस बुकिंग हुई है, सिर्फ और सिर्फ 1.39 करोड़ की, जो कि दोस्तों डे 1 तक ज्यादा से ज्यादा अगले दिन यानी कि 10 तारीख को भी मिलाकर 2 करोड़ से ज्यादा की इसकी एडवांस बुकिंग हमें होती हुई किसी भी एंगल से नजर नहीं आ रही है। वहीं दोस्तों अब हम सबसे बड़े सुपरस्टार रजनीकांत की मूवी जेलर की बात करें, तो रजनीकांत सर की मूवी जो जेलर है उसकी दोस्तों अभी तक ऑफिशियल एडवांस बुकिंग 15.94 करोड़ की हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 15.94 करोड़, 15.94 करोड़ की हो चुकी है, ऑलमोस्ट आप 16 करोड़ की इसकी एडवांस बुकिंग मान सकते हैं, जिसमें दोस्तों 7,58,260 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। 7,58,260 टिकट सोल्ड आउट हुए, ये एक दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है। उसमें दोस्तों एवरेज टिकट प्राइस 210 रुपए का है। अब दोस्तों जो 15.94 करोड़ की एडवांस बुकिंग है वो तमिल, तेलुगु और हिंदी, मलयालम, कन्नड़ा पांचों लैंग्वेज को मिलाकर है, और यहाँ पर दोस्तों डे 1 यानी कि जब कल सुबह जेलर मूवी की ऑफिशियल एडवांस बुकिंग आएगी तो वो लगभग दोस्तों 18 से 20 करोड़ के बीच चुकी होगी, क्योंकि अभी ही जेलर मूवी की एडवांस बुकिंग 16 करोड़ को टच कर चुकी है। अब दोस्तों आप बताइए, गदर 2 मूवी की अभी तक 8.65 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई है, ओ माय गॉड 2 मूवी की अभी तक 1.39 करोड़ की बस एडवांस बुकिंग हुई है, और जेलर मूवी की दोस्तों 15.94 करोड़ यानी कि दोस्तों ऑलमोस्ट 16 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। तो इन तीनों मूवीज में से सबसे आगे जेलर चल रही है, लेकिन अगर हम हिंदी बेल्ट की बात करें तो गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर फाड़ देने वाली है, कहर मचाने वाली है, 11 अगस्त के दिन दोस्तों हिस्ट्री बनने वाली है, और गदर 2 मूवी की जो कमाई होने वाली है वो डे 1 में 30 से 35 करोड़ को भी हमें क्रॉस करती हुई नजर आएगी। अब आप बताइए दोस्तों, आप तीनों मूवीज में से सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस मूवी के लिए हैं, और आपको क्या लगता है तीनों मूवीज की ऑफिशियल एडवांस बुकिंग डे 1 की कितनी टोटल हो सकती है, तीनों मूवीज में से डे 1 का कलेक्शन सबसे ज्यादा किसका हो सकता है, आप अपनी प्रेडिक्शन हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।